बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, इसका नाम है IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। ये इसकी पहली क्लास है, लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, 21। स्टार्ट करने से पहले देखें, ये जो टॉपिक है हमारा SR2 में टेस्ट होता था पहले, दो तीन अटैम्प्ट से पहले। उसमें उसकी मार्किंग कितनी होती थी, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग 15 देखी जाए तो उसमें कितने मार्क्स का आया था, ये 12 मार्क्स का। ऑटम 15 देखा जाए तो 16 मार्क्स का, 16 के अंदर 17 मार्क्स का, ऑटम 17 के अंदर 17 मार्क्स का, स्प्रिंग 19 के अंदर 17 मार्क्स का। इट मीन्स कि ऑन एवरेज कितने मार्क्स का टेस्ट होता था, ये ऐसे कोई 17 मार्क्स का, 16 मार्क्स का। लेकिन जब से ये FAR 1 के अंदर आया है, इसकी मार्किंग थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन ये ज़्यादातर टेस्ट होकर आता है किसके साथ, FAR, ये ज़्यादा टेस्ट होकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल IAS 16 के साथ अटैच होकर आ जाएगा, तो वो भी ऑन एवरेज कितने नंबर का सवाल बन जाएगा, फिर 17 नंबर। इसमें क्या करेंगे, छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स क्या करेंगे, मिला के सवाल पूछ सकते हैं। मींस ये अगर लेट से खाली इसके सवाल का देखा जाए तो लेवल, ये इसका ऑब्जेक्टिव लेवल अगर देखा जाए तो लेवल 1 के हिसाब से सवाल पूछ रहे होते हैं। आसान टॉपिक है इस FAR 2 के मुकाबले में, तो इसकी मार्किंग अगर देखी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये टॉपिक अकेला आता है तो 7 से 8 नंबर का टेस्ट होगा, इससे ज़्यादा टेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये ज़्यादातर मिल के आएगा IAS 16 के साथ, IAS 20 वगैरह के साथ। फिर हम देखें कि ये होता क्या है IAS बोरिंग कॉस्ट, IAS 23। अगर लेट से बोरिंग कॉस्ट किसको कहते हैं, मतलब किसी से लोन ऑब्टेन करना, मींस अगर मैं बोलूँ कि अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स बोलूँ या लोन बोलूँ, बात सेम है कि ऐसी कॉस्ट जो मुझे अगर लेट से मैं लोन ऑब्टेन करता हूँ तो मुझे बेयर करनी पड़े, जिसको हम क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, इंटरेस्ट बोल सकते हैं। हम किसी बैंक से अगर कोई लोन लेते हैं तो उसमें मुझे क्या, उसकी कौन सी कॉस्ट मुझे भरनी पड़ती है, एक इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स में क्या कहलाएगा, लेट्स से इंटरेस्ट ही कहलाएगा। तो बोरिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स, ऐसी कॉस्ट जो आप जो फंड ले रहे हो बोरिंग ले रहे हो तो आपको बेयर करनी पड़े, वो मेरे लिए क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब इंटरेस्ट तो आ गया, अब अगर लेट्स से बात करूँ मैं तो इंटरेस्ट की नॉर्मली एंट्री क्या बनती है, हम लोग पहले जब पढ़ चुके हैं जितने भी स्टैंडर्ड्स पढ़े हम लोगों ने, जैसे मैंने लोन ऑब्टेन किया हमने एंट्री बनाते थे एक्सपेंस की, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करते थे और इंटरेस्ट पेबल कर देते, या इंटरेस्ट पेबल या बैंक से पेमेंट कर दिया हमने तो क्रेडिट कर देगा किसी अमाउंट का, ये एंट्री बनाते थे हम लोग, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करते थे या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर दिया करते थे, धन्य बात है। लेकिन IAS 23 एक वाहिद स्टैंडर्ड है, IAS 23 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो क्या करता है, आपको अलाउ करता है allowed to capitalize interest expense, means IAS 23 का एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपको अलाउ करता है कि आप जितनी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट हो क्या करो, कैपिटलाइज करो। मीन्स इसको डायरेक्ट पीएनएल में ना भेजो, मीन्स इसको भी हम कहाँ भेजते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस को, ये एंट्री कहाँ जाती थी, पीएनएल के अंदर, मीन SOCI में जाती थी, और ये एंट्री कहाँ जाती थी, SOFP के अंदर जाती थी बैलेंस शीट में। लेकिन ये IAS 23 एक ऐसा स्टैंडर्ड है, वाइड स्टैंडर्ड है, जो कहता है कि आप क्या करो, अपने जितनी भी इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट, जितनी भी एक्सपेंस कॉस्ट हो क्या करो, उसको कैपिटलाइज करो। लेकिन अगर ये यूज़ हो रहा है किस चीज़ के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या मेक करने के लिए, मेक या कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वालिफाइंग एसेट, डेफिनेशन वगैरह लिखी भी आगे तो साफ हेडिंग मिल जाएगी आपको। IAS 23 का एक ऐसा स्टैंडर्ड जो अलाउ करता है कि आप जितनी भी एक्सपेंस कॉस्ट हो क्या करो, कैपिटलाइज करो। लेकिन अगर ये एसेट जो है यूज़ हो रहा है कि क्या चीज़ क्या बनाने के लिए, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, जब आप क्या कर सकते हो, उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, वही एक्सपेंस आउट करोगे। क्लियर है बात, कि IAS 23 में मैं अलाउ कर रहा होता है कि आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज करो, लेकिन अगर ये एसेट कहाँ यूज़ हो, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए। अब क्वालिफाइंग एसेट होता क्या है मेरे पास, उससे पहले ऊपर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ से यहाँ लिखा हमारे पास कि बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट, हम पहले पढ़ चुके हैं, एंड द अदर कॉस्ट। अब अदर कॉस्ट क्या होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई लेट से बैंक से कोई पैसे मैंने लिए बोरो किए, तो मुझे एक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या मुझे कोई बैंक चार्जेस पे करनी पड़ेगी, मे बी कोई अदर बैंक चार्जेस हो, इंटरेस्ट में तो आएगा, लेकिन इसके अलावा बैंक चार्जेस पे नहीं कर सकते,
या आपने फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी थर्ड पार्टी ने लोन दिलवाया मुझे किसी बैंक से, तो उसका कमीशन भी आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। बैंक ने लेट से फॉर एग्जाम्पल को एटीएम चार्जेस लगा दिए, चेकबुक चार्जेस वगैरह, कि आप जब भी पैसे निकालोगे आप चेकबुक अलाउ करने, वो चेकबुक से निकाल सकते हो पैसे आप विड्रॉ करने, तो आप क्या करोगे, आपको बैंक चार्जेस फी करनी पड़ेगी, वो पे करनी पड़ेगी। अदर कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेट से जो दैट द एंटिटी इनकर अगेंस्ट द बोरिंग ऑफ द फंड्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट फीस, एग्रीमेंट फीस, मीन्स जितनी भी फीस होंगी रिलेटेड टू बोरिंग कॉस्ट, वो क्या आप करोगे, कैपिटलाइज करोगे। मीन्स आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है आपने, और क्या है कैपिटलाइज करना है, अदर कॉस्ट वगैरह कैपिटलाइज करना है। क्लियर है बात ना, तक जो हमने पीछे पढ़ा हुई है। अब क्वालिफाइंग एसेट होता क्या है, एन एसेट दैट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड टू कंप्लीट, ऐसा एसेट जो क्या ले सब्सटेंशियल पीरियड ले कंप्लीट होने के अंदर, ऐसा एसेट जो क्या ले सब्सटेंशियल पीरियड ले कंप्लीट होने के अंदर। सब्सटेंशियल पीरियड मतलब एक ऐसा टाइम ले, मतलब फॉर एग्जांपल सब्सटेंशियल पीरियड ज़्यादा स्टैंडर्ड में आ रहा होता है 6 महीने या उससे अबव या मोर, मीन ऐसा एसेट जो बंदे ने क्या ले 6 महीने ले या 6 महीने से ऊपर ले, तो वो आप क्या कह सकते हो, क्वालिफाइंग एसेट कह सकते हो कंप्लीट होने में। डेफिनेशन देखें तो एसेट A qualifying asset is that asset that necessarily takes a substantial period of a time to get ready for its use, for its intended use or sale. Use करने के लिए, sale करने के लिए जब आप construct कर रहे हो, बना रहे हो, उसको क्या ले, वो substantial period ले लाजमी इस बात में। वो कितने time का हो सकता है, वो 6 महीने या 6 महीने से अब भी हो सकता है, ठीक है। They are usually self-constructed non-current asset. वो कौन सा asset होता है, ज़्यादातर खुद बनाया हुआ asset होगा जो बनने में time लेगा। अगर लेट्स आप कहीं से इंपोर्ट करवा रहे हो, बना बनाया परचेज कर रहे हो, कहीं से भी लोकली परचेज कर रहे हो, तो टाइम लेगा कोई बंदे में, तो डायरेक्ट आपने पेमेंट करी, लोन लेके पेमेंट करी, तो वो क्या है टाइम तो नहीं लिया उसने सब्सटेंशियल पीरियड, क्या वो कैपिटलाइज होगा, इसका इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी होगी, वो कैपिटलाइज नहीं होगी। अगर लेट्स मैं कोई ऐसी चीज़ है जो मैं खुद बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सामान मंगवाया मैंने खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगी, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने एक बिल्डिंग बनी बनाई मैंने परचेज कर ली, मैंने क्या, अब मैंने लेट से मैंने लोन लिया, मैंने कहीं से, मैंने फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख का लोन लिया, और मैं 10 लाख का छोड़ो, मैंने फॉर एग्जांपल कोई, मैंने 10 मिलियन का मैंने लोन लिया, ठीक है, 10 मिलियन का लोन लेके मैंने एक बिल्डिंग, मैंने कोई अपने ऑफिस के लिए मैंने एक बिल्डिंग विल्डिंग देखी, कोई छोटी मोटी थी, मैंने परचेज कर ली। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना, मैंने लोन पे मैंने परचेज करी, मैंने बैंक से लोन लिया था मैंने, अब वो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या कैपिटलाइज होगी, वो इंटरेस्ट ऑफ कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी, क्योंकि देखो मैंने एसेट जो परचेज किया उसमें मैंने कोई भी सब्सटेंशियल पीरियड नहीं लिया। मैंने अगर बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ मैं ऑन द स्पॉट, बनी बनाई ली है मैंने, तो बनी बनाई बिल्डिंग में मैंने कोई टाइम दिया था, अगर लेट से मैंने कोई बनी बनाई बिल्डिंग ली है, तो उसमें कोई मैंने टाइम लगाया ही नहीं, सब्सटेंशियल पीरियड होगा, लेने में टाइम लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, नहीं कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा हूँ, मे को कंस्ट्रक्ट लिया बनाने की बात नहीं कर रहा, आपको बनी बनाई लिया आपने, अगर बनी बनाई लिए तो आप उस पर उसी कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे, नहीं करोगे, लेकिन लोन के जो इंटरेस्ट होगा जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। अगर मैं लेकर उसको बनाऊंगे, अब वो लेके बनाओ, अगर आप कोई एसेट लेके बना रहे हो उसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, सब्सटेंशियल पीरियड ले रहा है, तो वो क्या करोगे, आप कैपिटलाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने खुद बात करी कि आपने क्या करा, आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी, आपने लैंड परचेज की, तो बिल्डिंग खुद बना रहे हो, मीन्स आप प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट बना रहे हो, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट जो क्या कर रहे हो, आप सेल्स मैट कर रहे हो, आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसको तो टाइम लेगा, वो एक सब्सटेंशियल पीरियड, वो क्या उसकी बोरिंग कॉस्ट क्या जाएगी, कैपिटलाइज होगी। क्लियर है, जो आपने बात की थी वो ये बात आ रहा है, कि पीपीई कॉस्ट क्या होगा, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सेल्स, तो आप क्या करोगे, जितनी भी एक्सपेंस कॉस्ट होगी क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे जितनी भी उसकी बोरिंग कॉस्ट होगी। सेकेंड चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने एक आगे स्टैंडर्ड आगे पढ़ेंगे, FIR 2 का टॉपिक है, IAS 38 intangible asset, जैसे हम लोगों ने पढ़ा नॉन करंट एसेट होते हैं हमारे पास दो टाइप के, एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। टेंजिबल कौन सा हो गया, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, इंटेंजिबल कौन सा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर लिया, पेटेंट्स वगैरह लिए, कॉपीराइट वगैरह। अब ऐसा एसेट 38 में बोलता है कि 38, अब यहाँ भी अगर लेट्स से कोई इंटेंजिबल एसेट है, ऐसा होता होगा कि मैं परचेज भी कर लेता हूँ,
कोई ऐसा होता होगा मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, इंटेंजिबल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ ना। मैंने कोई सॉफ्टवेयर लिया, सॉफ्टवेयर में खुद नहीं बना सकता क्या? बना सकता हूँ भाई, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खुद भी बनाती होगी ना सॉफ्टवेयर वगैरह, वो तो बनाती होगी ना, तो वो अगर लोन लेके बना ली तो कहाँ जाएगी, सबके साथ कॉस्ट कैपिटलाइज करेगा। अब इसमें क्या होता है आई एस 38 के अंदर, अभी सिर्फ नाम याद कर लो पहले, आई एस 38 इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है रिसर्च फेस, एक होता है डेवलपमेंट फेस। मीन्स अगर लेट से आप कोई भी इंटेंजिबल बना रहे हो तो आप पहले क्या करोगे, उसकी रिसर्च करोगे, तो रिसर्च कॉस्ट डायरेक्ट कहाँ जाएगी, पी एन एल में जाएगी, भले आपने उसको इससे लेके क्यों नहीं किया। लेकिन अगर जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट होगी वो क्या करोगे, आप कैपिटलाइज करोगे। तो डेवलपमेंट कॉस्ट अंडर द आई एस 38 इंटेंजिबल एसेट क्या करोगे, आप कैपिटलाइज करोगे। ठीक है, अभी सर नाम याद कर लो खाली, इंटेंजिबल एसेट और कुछ भी याद नहीं करना। इसके बाद नीचे हम आए कोई इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री खुद बना सकते हैं, बना सकते हैं भाई इन्वेंट्री। अगर लेट से कोई इन्वेंट्री मैंने, अब क्या होता है इन्वेंट्री ज़्यादा हम लोग नॉर्मली हमने देखा है कि हम लोग इन्वेंट्री परचेज करते हैं आगे सेल कर देते हैं, लेकिन अभी हम इसी टॉपिक के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे। हम खुद एसेट को बनाएंगे खुद, मतलब लेट से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर वो फिनिश गुड बनाएंगे खुद से अपने पास, तो एक सब्सटेंशियल पीरियड लेगा वो। वो ऐसी इन्वेंट्री जो क्या ले, सब्सटेंशियल पीरियड ले बनने में, वो भी क्या होगी, उसकी भी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या करेंगे हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, उसकी भी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या करेंगे कैपिटलाइज करेंगे। जैसे बाहर के मुल्कों में फॉर एग्जाम्पल कोई वाइन वगैरह होती है, तो वाइन के एक दिन में बन जाती है, जो बेचते होंगे टाइम लगता है वो, तो उसकी इन्वेंट्री कहलाती है उन लोगों की, तो वो टाइम लेते हैं, सब्सटेंशियल पीरियड देते हैं, क्या कहलाएगा उसके लिए, वो भी क्या करेंगे सारी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, रखते हैं उनको साल साल के लिए कि इसको पुरानी होने दो, जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी। उसके बाद अगर लेट्स से हम लोग देखें नॉर्मली यहाँ पे चावल वगैरह राइस रखे जाते हैं काफ़ी टाइम के लिए, जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, तो ऐसी इन्वेंट्री जो बनने में क्या ले, सब्सटेंशियल पीरियड ले, वो क्या कहलाएगा, वो उसकी कॉस्ट जितनी भी होगी कहाँ जाएगी, कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। और कैपिटलाइज की एंट्री क्या बन रही होगी आपके पास, आपके पास एंट्री बनेगी सी डब्ल्यू आई पी डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट या बैंक वगैरह। मीन्स ये कहाँ जाएगा, आप एसेट के नाम से क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ये एसेट बन रहा है हमारे सी डब्ल्यू आई पी, जब बन जाएगा तो उसको पी वी में एंट्री में चेंज कर देंगे, क्लियर बन जाते हैं सी डब्ल्यू आई पी में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मीन्स हमने क्या करा, अगर ये एसेट दोबारा से बात करें, अगर ये एसेट, अगर ये इंटरेस्ट कॉस्ट जो है जितनी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड जो है आप यूटिलाइज कर रहे हो कहाँ पे, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के अंदर, तो ये सारी कॉस्ट क्या होगी, ना कि एक्सपेंस आउट होगी, ये होगी कैपिटलाइज्ड सी डब्ल्यू आई पी के नाम से एज अ एसेट। ठीक है, कैपिटलाइज करना होता है एसेट रिकॉर्ड करना, ठीक है। लेकिन अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जो क्या ले, सब्सटेंशियल पीरियड ले, कंप्लीट होने के लिए, यूज़ करने के लिए, सेल करने के लिए। सब्सटेंशियल पीरियड नॉर्मली 6 महीने उससे ऊपर हो सकता है। पीपी की बात उसमें क्या आ सकता है, पीपी अगर खुद मेड करें हम लोग, खुद बनाएं, बनी बनाई बिल्डिंग ले ली मैंने, तो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या जाएगी, एक्सपेंस आउट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं खुद बना रहा हूँ उसमें जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट लगा रहा हूँ क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। आई एस स्टडी के अंदर इंटेंजिबल एसेट आ जाएगा। इसके अलावा इन्वेंट्रीज वगैरह डेफिनेशन देखें हम लोग, और एंट्री देखिए कि सी डब्ल्यू आई पी डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट लेवल क्रेडिट करेंगे। उसके बाद अब वो कौन सा आइटम है हमारे पास, द एनी अदर फॉलोइंग मे बी द क्वालिफाइंग एसेट, आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट जो हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्रीज। बात क्लियर है तक, ना तो कोई मसला। तो अब हमने जितना भी अब तक जितना भी पढ़ा उसके लिहाज से सवाल कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, ये बोल रहा है हमें, आ कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट विच विल टेक द 6 ईयर टू कंप्लीट। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर मतलब पुल बना रही है, ब्रिज बना रही है, जो कितना टाइम लगेगा बनने के अंदर, 6 साल लगेगा कंप्लीट होने में। इसकी जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी वो कैपिटलाइज होगी। क्या मेरे क्या ये मेरी क्वालिफाइंग एसेट के डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, तो ये क्या बोल रहा है इसमें हमें क्वालिफाइंग एसेट, ये क्या है हमारा, ये मेरा बन गया क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग एसेट बन गया, सिंपल बात कर ली मैंने।
उसके बाद सेकंड पे लिखा हुआ है अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट बीइंग मेड बाय एन द एंटिटी हु मैन्युफैक्चर एंड सेल द 10,000 से लेके 12,000 तक ईच एवरी मंथ, बना के बेच रहा है वो वगैरह जो 10,000 से लेके 12,000 तक की सेल करेगा। क्या मेरा क्वालिफाइंग एसेट है? ये मेरा क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, नॉट क्वालिफाइंग एसेट। मैंने बेचा था, ये बता रहा कि परचेज कर लिया आपने सर्किट, वो इतनी सेल करवा के देगा। तो परचेज किया आपने, खुद ने तो कंस्ट्रक्ट नहीं किया उसको, तो ये क्या क्वालिफाइंग एसेट नहीं है आपका। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है आप पावर प्लांट अंडर द कंस्ट्रक्शन इट मे टेक द 10 months टू कम्प्लीट। ये 10 months ले रहा है क्या मेरे लिए? क्वालिफाइंग एसेट लाएगा, ये क्वालिफाइंग एसेट लाएगा। ठीक है, एन इक्विपमेंट परचेज बाय एक्स लिमिटेड एन इक्विपमेंट परचेज बाय एक्स लिमिटेड द इक्विपमेंट मे बी यूज इमिडियटली आफ्टर इट डिलीवर। एक आपने क्या करा, एक्स कंपनी से परचेज किया आपने, और जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा आपका, आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे, तो क्या क्वालिफाइंग एसेट है आपका? ये आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, क्लियर है? उसके बाद द स्पेशल ऑर्डर फॉर अ कस्टमर टू मैन्युफैक्चर अ मशीन फॉर द हिम फॉर हिम विच विल टेक 11 months एट लीस्ट। अगर स्पेशल ऑर्डर मिला आपको कस्टमर के लिए और मैन्युफैक्चर करनी है मशीन, तो कितना टाइम लगेगी बनने में? 11 महीने लगी। कैसी क्वालिफाइंग एसेट है आपका? क्वालिफाइंग एसेट है। इसके अलावा एन एंटिटी इज कंस्ट्रक्टिंग ऑफिस बिल्डिंग विच टेक द 8 months टू कम्प्लीट। ये मेरा एसेट ही क्वालिफाइंग एसेट है, क्वालिफाइंग एसेट। क्लियर है? समझ में आ गया ना तक मतलब? क्लियर है? एक छोटी सी चीज़ और पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल हम लोग इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं। हिम्मत है ना? टाइम बहुत है अभी। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने पहले क्या बात करी, अब मैं दोबारा से एक बार रिवीजन कर लूँ कि आई एस ट्वेंटी के अलाव करता है इतनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी अगर मैं उसको कैपिटलाइज करना है। ठीक है, अगर ये एसेट कहाँ यूज़ हो रहा हो, क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए यूज़ हो रहा हो, तो अदरवाइज क्या करोगे? एक्सपेंस आउट होगा। अब अगर लेट से मैंने सोचा कि यार मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है मुझे, तो जैसे मैंने सोचा तो जो लोन लिया मैंने, तो सारी कॉस्ट क्या करूँ मैं? एक्सपेंस आउट, मतलब कैपिटलाइज करूँगा। अब क्या करना है इसके लिए? उसने क्या बोला, यार एक बात सुनो, तुम एक पीरियड सोचो कि अगर ये एसेट इस काम के लिए यूज़ हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे? इसको कैपिटलाइज करोगे। अगर ये रुक गया थोड़ी देर के लिए, तो क्या करोगे? इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, या आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक हम टाइमलाइन बनाते हैं यहाँ पे। मैंने क्या करा, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन ऑब्टेन किया, यहाँ पे लोन ऑब्टेन कर रहा हूँ मैं 1 January को। जैसे मैंने लोन ऑब्टेन किया, क्या मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दूँ? ना, बोरिंग कॉस्ट क्या करूँगा? कभी भी कैपिटलाइज करना स्टार्ट नहीं करूँगा। अनलेस क्या हो, मेरा एक्टिव वर्क स्टार्ट ना हो जाए। मेरा एक्टिव वर्क क्या हो जाए, स्टार्ट ना हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? कैपिटलाइज नहीं करूँगा। मीन्स अगर लेट्स से मेरा एक्टिव वर्क स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 February से एक्टिव वर्क, मेरा एक्टिव वर्क स्टार्ट कब हुआ है? 1 February को। और मैंने लोन कब ऑब्टेन किया? 1 January को। तो इसके बीच की जो कॉस्ट होगी, इसके बीच का जो अमाउंट होगा, वो क्या करूँगा मैं? कैपिटलाइज नहीं करूँगा। वो बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एक्सपेंस आउट होगा, डायरेक्ट जाएगा पीएनएल के अंदर। क्लियर है? मीन्स ये मेरे लिए एक आइडियल टाइम हो गया। मीन्स ये मेरे पास एसेट बैंक में रखा हुआ, मतलब ये मतलब यूज़ नहीं करा मैंने, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट तो लग रही होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो लग रहा होगा, और मैंने एक्टिव वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ मेरा अभी तक, तो कहाँ जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। क्लियर है? उसके बाद ही मेरा काम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरा काम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई मेरा काम स्टॉप हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 June को आ गया, काम क्या हो गया? सस्पेंड हो गया। तो इस बीच की ड्यूरेशन का टाइम है, कई मेरा एक्टिव वर्क फॉल करता है इसके अंदर, काम चल रहा होगा ना इसके बीच में, तो ये जो बीच वाला टाइम जो है मेरा, क्या मेरा एक्टिव वर्क में फॉल कर रहा है मेरा? इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी? इसकी बोरिंग कॉस्ट बिल्कुल कैपिटलाइज होगी। ये कहाँ जाएगा? बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, और ये कहाँ जाएगा? SOCFP के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा, CWIP के अंदर। क्लियर है? अब सस्पेंड हो रहा है काम मेरा। अब सस्पेंड में भी क्या दो तरह के तरीके से क्या हो सस्पेंड हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एक होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या, एक मैं चाह रहा हूँ कि मैंने खुद काम रोका हुआ जानबूझ के। लेट से मैं क्या करता हूँ, हम लोग जब घर बनता है हमारे पास, तो हम लोग छत बनाते हैं,
छत जैसे बनती है तो हम लोग काम रोकना पड़ता है हम लोगों को एक हफ्ते के लिए, छत के साथ सूझ जाए अच्छे तरीके से काम हो जाए। तो ये छत सूखने वाला काम जो है, ये क्या मेरे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो ये दिमाग पहले से होगा ये कि इतने दिन का काम रुकेगा? अगर ये प्री प्लैंड है, अगर ये प्री प्लैंड हुआ है, अगर काम रोकना मेरे लिए क्या प्री प्लैंड है, तो इसकी बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज होगी। पहले सोचा हुआ है, खुशखाना सोचना, पहले सोचना पड़ता है हमें क्या ये काम तो होगा, लाजमी सी बात है कि मेरा एसेट जो है, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने छत डाली है, अब छत के लिए मुझे तकरीबन 15 दिन वेट करना पड़ेगा सूखने के लिए, तो मुझे इतने दिन का काम क्या करना, रोकना पड़ेगा। लेकिन रोकने वाला काम जो सस्पेंड कर रहा हूँ काम, लेकिन प्री प्लैंड है, मेरे काम में शामिल है। अगर मैं छत काम ना रोकूंगा तो छत खराब हो जाएगी, गिर जाएगा काम, नीचे मेरा प्री प्लैंड है काम रोकना मेरे लिए, तो इसकी भी कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। एक होगा फॉर एग्जाम्पल कोई लेट से मैंने कोई प्लान नहीं किया, ये अनप्लैंड है मेरे लिए, ये मेरी तरफ से प्लानिंग नहीं थी पहले से कि मैं काम रोकूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सामान मैंने रखा बाहर रोड के ऊपर, और मेरे इत्तेफाक से हम लोग गए, हमने सोचा जुम्मे की छुट्टी होगी काम वाम की, तो हमने चलेगा हफ्ते को अपने गांव में, इतने हो गई बारिश। अब बारिश होने की वजह से सारा काम, सारी जो मटेरियल वगैरह होगा रॉ मटेरियल ख़राब हो जाएगा, ऐसे वो सूखेगा नहीं, अब तक काम नहीं कर सकते, ठीक है। या तो लेट से बारिश होना स्टार्ट हो गई, बारिश 15 दिन चलती रही मुसलसल, मिट्टी वो बिल्कुल ख़राब हो गया सामान वगैरह, और आप काम नहीं कर सकते बारिश में रहते हुए, लेट से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती बारिश होते हुए, तो ये क्या जो बारिश होना जो है कि मेरे प्लानिंग में शामिल होगा? नागानी आफत है, तो नागानी आफत है कभी भी क्या होंगी, कैपिटलाइज नहीं होंगी। मीन्स इस ड्यूरेशन का टाइम जो अगर काम रुक जाए, अगर सस्पेंड हो जाए, तो आपकी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं थी पहले से, तो क्या करोगे, कैपिटलाइज नहीं करोगे, याद रखनी है। तो वो जाएगा पीएनएल में, वो जाएगा पीएनएल में, एक्सपेंस आउट, तो एक्सपेंस तो हो रहा है, इंटरेस्ट तो लगेगा, इंटरेस्ट को कैप यहाँ क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, यहाँ जाएगा एसओएफपी के अंदर, सीडब्ल्यूआईपी के अंदर, यहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मीन्स इंटरेस्ट तो लग रहा होगा वो भले कुछ भी, जैसे आपने लोन लिया पहले दिन, जैसे हमने बात करी लोन, आपने पहले दिन लोन लिया, आपने काम स्टार्ट नहीं किया, इंटरेस्ट लग रहा है ना आपका, वो क्या जाएगा, जो इंटरेस्ट लगेगा एक महीने का जो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मीन्स बैंक वालों तो छोड़ नहीं सकता ना, बैंक वालों को ही बोलेगा बारिश हो रही है क्या हो रहा है, बैंक वाले कहेगा मुझे आपने लोन लिया था मेरे पास से, आपने आपका एग्रीमेंट हुआ है 1 जनवरी से, तो आप क्या मुझे इंटरेस्ट देना स्टार्ट करोगे 1 जनवरी से, क्लियर बात है। अगर अनप्लैंड होगा तो कोई भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्लियर है। और प्री प्लैंड होगा तो क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। उसके बाद फिर बिलेट से काम चल रहा है, बीच में हमारा सब चीज़ें हो रही हैं, अब मेरा क्या हो गया, मेरा मैं आया कोई 30 नवंबर को, मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, और मेरा एक्टिव वर्क जो है कंप्लीट हो गया, लेट से काम कंप्लीट हो गया, मेरा वर्क कंप्लीट हो गया मेरा, कब हो गया, 30 नवंबर को, तो बीच की जो कॉस्ट होगी क्या करूँगा मैं, कैपिटलाइज करूँगा, हम क्या करेंगे उसको, तो कैपिटलाइज करूँगी, वो कहाँ जाएगा, वो सीडब्ल्यूआईपी के अंदर, क्लियर है, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। लेकिन अब देखो 30 नवंबर को काम कंप्लीट हुआ है, क्या मैंने लोन वापस कर दिया क्या, लोन तो बाद में वापस करूँगा ऑब्वियसली की बात है, तो जो बीच की अब इसकी बात की जो कॉस्ट होगी लेट से, अब पहले लोन कितने टाइम में चलता रहेगा, अब वो जितनी भी कॉस्ट होगी वो क्या करूँगा मैं, कैपिटलाइज करूँगा, वो मैं कैपिटलाइज नहीं करूँगा, अब वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ही बनता रहेगा, अब वो इंटरेस्ट पेनल में ही चार्ज होगा ना कि कैपिटलाइज होगा। जब तक आपका एक्टिव वर्क चल रहा है, मीन्स अब इस चार्ट के हिसाब से देखो तो आप ये समझो कि अगर आपका एक्टिव वर्क चल रहा है ना अगर, तो आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे, अगर एक्टिव वर्क नहीं चल रहा तो कैपिटलाइज नहीं करोगे। प्रॉफिट तो हो गया, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, आप तो एक्सपेंस पे कर रहे हो ना, आप तो फिलहाल अभी क्लियर बने तब डन है आपका, जब भी एक्टिव वर्क चल रहा होगा आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे, एक्टिव वर्क नहीं चल रहा होगा आप क्या करोगे, कैपिटलाइज नहीं करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने कोई वो दे दें तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो, तो ये अगर लोन पे नहीं किया गया, अभी लोन आप पे ड्यू है तो आपका इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो इंटरेस्ट जितना एक्टिव वर्क में शामिल है कैपिटलाइज हो जाएगा, जो एक्टिव वर्क में शामिल नहीं है वो क्या करोगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, मैंने 1 लाख रुपये लोन लिया बैंक से 1 जनवरी को, और मेरे अंदाजे के हिसाब से 2 महीने कंपनी में काम नहीं चला, 1 महीने वैसे छोड़ दिया मैंने, और 1 महीने मेरा पहले कंप्लीट काम कंप्लीट हो गया, और 3 महीने और 1 महीने लेट से काम सस्पेंड हो गया था, अनप्लैंड था मेरे तरफ से, तो लेट से इसका मैं इंटरेस्ट देखूँ, लेट से 10% इंटरेस्ट है 12/12 महीने के लिए नॉर्मल देखूँ, तो कितना अमाउंट आना चाहिए, कोई
10,000 से क्लियर है। उसके बाद अगर लेट्स मैं बोल रहा हूँ कि यार इसमें 12 महीने पूरे यूज़ नहीं हुए, ये इंटरेस्ट तो है, ये आपके इंटरेस्ट तो है, ये कोई बात नहीं, बैंक वाले बैंक को तो ये जाएगा 10,000 रुपये, टेबल तो आपको 10,000 तो होगा, लेकिन इसमें से आपने बोला कि यार आपका काम जो सस्पेंड हो गया तो जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो जा रहा है कितने महीने से, 3 मंथ से, और जो कैपिटल है वो कितने महीने का होगा, वो 9 महीने से, SOFP में 9 मंथ से। तो आप क्या करोगे, 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12, और यहाँ पे क्या करोगे, 10,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये आ गया कोई 2500 का अमाउंट, ये आ जाएगा कोई 7,500। मीन्स ये अमाउंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और ये अमाउंट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ये SOFP में जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बन रही होगी, इसकी एंट्री बन रही होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, कितने से, 2,500 से। यहाँ क्या एंट्री बन रही होगी, CWIP डेबिट और इंटरेस्ट टेबल क्रेडिट, कितने से, 7,500। क्लियर है बात, यहाँ काम क्या हो रहा है, काम रुक रहा है मेरा, यहाँ एक्टिव वर्क है, टोटली एक्टिव वर्क है मेरा। और अगर इसकी मैं कंपाउंड एंट्री बनाऊँ तो इसकी एंट्री क्या बन रही होगी, कंपाउंड एंट्री इंटरेस्ट इसकी एंट्री में बना रहा हूँ कोई इंटरेस्ट टेबल क्रेडिट कर रहा हूँ 10,000 से। क्लियर है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करूँगा मैं कितने से, 2,500 से, बाकी 7,000 का जाएगा CWI से। मीन्स इंटरेस्ट तो लग रहा है बैंक वाले के लिए, इंटरेस्ट पेबल तो हो रहा है, लेकिन मैंने रिसीवेबल हो रहा है इंटरेस्ट की बैंक वाले के लिए, हमारे लिए पेबल है, लेकिन इसमें से क्या जाएगा, 2,500 रुपये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं जाएगा और बाकी 7,500 क्या होगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, तो ये दोबारा से देखना है, इसको अच्छे तरीके से फेयर करना है काम को। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं लोन की। जो हमने पढ़ा अभी तो वही है, कमेंसमेंट सस्पेंशन एंड द सीसेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन, एन एंटिटी शैल द कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट ऑन द कमेंसमेंट डेट, द कमेंसमेंट डेट इज डेट विच द एंटिटी first meet all of the following condition, it incur the expenditure of the asset, it incur the borrowing cost, it undertake the activities necessary to prepare the asset। means agar active work kya hoga, aapka start ho chuka hai, active work ke andar sir aapka capitalized expenditure ne start ho jaoge, jab koi kaam dena start jaoge, aapne let's say koi mazdoor wagera aapko kaise dena start kar diye, thekedar ko kaam karna start kar doge, jab aapka active work start ho jayega aap kya karoge, capitalize karna start kar doge। suspension of the capitalization, an entity shall suspend the capitalization during the period in which the suspend active development of the qualifying asset, however it's if the suspension is necessary part of the process of getting the asset ready then the borrowing cost shall be capitalized। tune padha ye kya hai, ye pre-planned hai aur ye kya unplanned hai। cessation of the capitalization, an entity shall cease the capitalization when the all the necessary to prepare activity necessary to prepare the qualifying asset to intend use or complete। काम मेरा 30 दिन में कम्प्लीट हो गया था और मैंने उसके बाद जितनी भी कॉस्ट होगी क्या करोगे आप, एक्सपेंस आउट करोगे। क्लियर है यहाँ तक, वही जो हमने पढ़ा अभी तक पीछे वो यहाँ पे हमने देख लिया 3D में। क्लियर है, तो होपफुली आपको चार्ट से ज़्यादा समझ में आया होगा एज कम्पेयर टू बडिंग, क्योंकि हमें बडिंग पढ़ने की आदत नहीं होती। हम इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।